results using elementary transformation. If a is equal to, a का वैल्यू दे दिया आपको, यहाँ दे दिया 2, 1, 3, 4, थोड़ा चेंज कर दिया हमने. अब आप बहुत ध्यान से देखो, अब जो हमने इसका एक आइडियल मॉडल जो बनाया है कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहली स्टेप में हमें यहाँ पर 1 बनाना है. सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ 1 बनाना है. तो यहाँ 1 हमारे पास अभी नहीं है, तो 1 बनाने के लिए कुछ मेथड है. क्या मेथड है कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर दो, एक तरीका. सेकंड की फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन उससे भी पहले आपने हमें लिखना पड़ेगा, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए. ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, 1, 3, 4. आई इज 1, 0, 0, 1. ए इज इक्वल टू आई ए, यहाँ से बिगिनिंग है, वी नो दैट. अब जो मैंने आपको बोली बात, उस बात पे नोटिस करें कि S1 इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस पोजीशन का एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है. तो 1 बनाने के 2 मेथड हैं, रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 माइनस कर दें, या फिर रो नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दें. कोई ऐसा सोचे कि रो नंबर 1 नहीं, प्लीज़ वेट, अब मैं बताता हूँ आपको, आप चिंता तो मत करो, पहले मैं समझा देता हूँ सारी चीज़ें, आप बहुत क्लियर हो जाएगा आपको. रो 1 में से कोई सोचेगा कि हम एक नंबर को माइनस कर दें 1 को, तो एक नंबर माइनस नहीं हो सकता. आपके जो कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो ये कॉम्बिनेशन है कि आप किसी भी रो में किसी भी रो को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके, किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. और आप दो रो को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपने डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ है तो आपको क्लियर है कि दो रो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं, कि दो रो मल्टीप्लाई नहीं होंगी. Ri में Ri इंटू Rj, दिस ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता. किसी भी रो में आप सोचें कि कोई नंबर से मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं, कोई कांस्टेंट से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इवन दिस इज नॉट पॉसिबल. हाँ, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, तो ये एक ऑपरेशन है, Ri में किसी रो को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके. दूसरा है कि किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने इसको म्यू से डिवाइड कर दिया, इस रो को, तो मैं म्यू से डिवाइड कर सकता हूँ. दोनों साइड ऐसा करना होगा, पर जैसा डिटरमिनेंट में देखा होगा आपने कि अगर आपको डिवाइड करना है अंदर किसी रो को, तो बाहर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पर नहीं करना होता है. फिर से समझें आप, जैसे डिटरमिनेंट में आपने देखा होगा कि हमको किसी रो को किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा इसमें नहीं है. और जिससे डिवाइड करेंगे, दैट शुड नॉट बी ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. एक तीसरे नंबर का ऑपरेशन है कि किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं आप, किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं. जबकि डिटरमिनेंट में आपने देखा कि आपको केवल कॉन्जिक्यूटिव रोज को इंटरचेंज करने की परमिशन है. डिटरमिनेंट में आपने नोटिस किया होगा कि आप कॉन्जिक्यूटिव रोज को ही इंटरचेंज कर सकते हो. आप कॉन्जिक्यूटिव रोज को इंटरचेंज करोगे और बाहर माइनस साइन आएगा, इसमें ऐसा नहीं होता. तो जैसा कि ये अभी जो क्वेश्चन आया है कि R1 में अगर हम इंटरचेंज करेंगे, ये ऑपरेशन लगाते हैं R1 में R1 माइनस R2, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा. तो माइनस वन आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा,
तो नो प्रॉब्लम, माइनस आने से दिक्कत नहीं है, पर ऐसा ना लिखें। कैसा ना लिखें कि आर वन में, अगर हमने ऐसा लिख दिया आर वन में आर टू माइनस आर वन, तो आर टू माइनस आर वन आर वन में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। पर ये वाली जो प्रैक्टिस है ये डिटर्मिनेंट को अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस डिटर्मिनेंट में बन गई तो फिर ये डिटर्मिनेंट में कभी कभी गलत रिजल्ट देगी, क्योंकि माइनस का फर्क आएगा। तो इसमें एक बात और ध्यान से सुनिए कि आर वन जो भी आप ऑपरेशन लगाएं तो कोशिश करें कि आपको करना ही है ये समझ लें कि जो फर्स्ट जो लिखी है रो उसी में ऑपरेशन लगेगा। फिर से आप समझ लें, फर्स्ट रो में ही ऑपरेशन लगेगा, फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगेगा। तो आर वन माइनस क्या लगा दें हम, आर टू। अगर हमें आर वन में लगाना है तो हम, फिर से आप सुन लें इस बात को, हमें आर वन में ऑपरेशन लगाना है, हम यहाँ पर सबसे पहले आर वन को ही लिखें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि जब हमें आर वन में ऑपरेशन लगाना होगा तो लैम्डा इंटू आर वन या इस तरह का कुछ नहीं लिखें। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू इंटू आर वन माइनस आर टू कर देंगे तो भी आपका आंसर वन आ जाएगा, नो इश्यू आंसर आ जाएगा। पर यही ऑपरेशन अगर आपने डिटर्मिनेंट में अप्लाई कर दिया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग यू द सेम थिंग, इफ़ यू अप्लाई दिस ऑपरेशन इन डिटर्मिनेंट देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, तब ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, तब ये उस केस में आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट में जो आंसर वो जो ऑपरेशन एप्लीकेबल है वो ये वाला ऑपरेशन एप्लीकेबल है जिसको मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ। आर आई में लगा सकते हो आर आई प्लस माइनस लैम्डा आर जे, आर आई के पहले किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए आप इसके भी वही ऑपरेशन लगाएं जो ऑपरेशन की प्रैक्टिस आपको डिटर्मिनेंट को के जो ऑपरेशन से उनको अफेक्ट ना करे। तो आप आर जिसमें भी लगाएंगे उसके पहले कुछ ना लिखें, ऐसा आप दिमाग में बना लें कि जिसमें भी आप लिखेंगे उसमें, यानी जिस रो में आप ऑपरेशन लगाएंगे उस रो में आप ये आर वन में मुझे लगाना है तो यहाँ मैं आर वन ही लिखूँगा, ऐसा आप प्रण कर लें, आर वन लिखूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा आर वन माइनस आर टू। एक स्टेप बढ़ेगी, मैं समझता हूँ बात को, वन माइनस जीरो इज़ वन, जीरो माइनस वन इज माइनस वन ए, क्या स्टेप बढ़ जाएगी आपकी। अब इस माइनस वन को आपको प्लस बनाना पड़ेगा, तो प्लस बनाना आसान है, कैसे बना देंगे बिल्कुल चिंता ना करें, आर वन में मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन को, ठीक है, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन जैसे नहीं है हर जगह, बहुत कुछ तो सेम है लेकिन हर जगह नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ फिर थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा वन थ्री माइनस वन वन ए, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास थ्री फोर जीरो, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दो केस अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो दो स्टेप्स हो गए। अगर आप रो नंबर वन रो नंबर टू इंटरचेंज करेंगे, फिर आप रो नंबर वन में से रो नंबर टू माइनस करेंगे, तो दो स्टेप्स हैं, वो भी इवन दैट कैन बी डन, अभी हम वो भी करेंगे, यू डोंट वरी, वो भी देखो करेंगे। अब इस वन की हेल्प से, अब जो हमारी सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आ जाओ आप विद द हेल्प ऑफ दिस वन, जो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का वन है, उस वन की हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे, ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड इस वन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी विल मेक दिस थ्री जीरो। तो कैसे जीरो बनाएंगे, अगेन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री इसी को कहते हैं बच्चों कि रो नंबर किसी रो में से किसी रो को कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके माइनस करना प्लस करना। तो रो नंबर टू में रो नंबर टू माइनस थ्री टाइम्स रो नंबर वन। अगर आपके आंसर अभी सही आएंगे, आप डायरेक्ट थोड़ी सी स्टेप्स करेंगे, पर उससे मैं आपको जो मैंने आपकी बात बताई है कि डिटर्मिनेंट्स के रिजल्ट अफेक्ट होंगे, कैसे डिटर्मिनेंट के रिजल्ट अफेक्ट होंगे वो भी मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा।
इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 3 3 जा 9, 4 में से 9 गया तो माइनस 5 आ गया। यहाँ भी चेंज आएगा, यहाँ पर चेंज आ जाएगा 0 माइनस। अगर आपको दिक्कत आए तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख दो डायरेक्ट 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 1 माइनस, एक सेकेंड थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा देता हूँ, आप अगर चाहेंगे तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 1 माइनस 3 इंटू 1, एक सेकेंड, 1 3 0 माइनस 5 माइनस 1 1 3 माइनस 2 ए। हाँ बोलो, बोलिए। ए टू टू, ये यहाँ पर जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाँ राइट साइड में अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पर। ओ सॉरी, समझ गया मैं, यू आर राइट। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि माइनस क्यों आएगा बेटा, आप देखो ना, देखो माइनस से मल्टीप्लाई किसको किया, आर वन को किया ना हमने, देखते चलो है ना। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब हमें इस, देखो अब आप थर्ड स्टेप पे आओ, तो ये जो आपका मॉडल है इसके ऊपर आप फोकस करो और इसको आप अपने पास अच्छे से लिख लो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिलाएगा ये। अब इसे वन बनाना है, इसे वन बनाने की बच्चों एक ही तरकीब रहती है, इसे वन बनाने की एक ही तरकीब है कि इसको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करोगे माइनस फाइव से, इसको माइनस फाइव से डिवाइड करोगे, किसको फिर से समझ लो, इसको माइनस फाइव से डिवाइड करके वन बना सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम ऊपर वाली रो को टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें नीचे, तो ध्यान से देखो क्या होगा, अगर अपन टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, सिक्स जब इसमें ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि ये वाला जीरो बिगड़ गया, ये वाला जो जीरो था उसकी जगह एक नया एलिमेंट आ गया टू, तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉर्नर का एलिमेंट है, ये चेक करने के लिए कभी आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अब आपको डिटरमिनेंट अगर आता है तो देखिए 2 1 3 4 है आपका डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स कितना है, मैट्रिक्स है 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 को आप डिटरमिनेंट बना के इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 2 4 जा कितना आएगा आपके पास 8, और 3 1 जा कितना आएगा आपके पास 3, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये भी कितना आ रहा है, प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, प्लस माइनस का डिफरेंस पॉसिबल है, फिर से समझ लो आप मेरी बात, प्लस माइनस का डिफरेंस पॉसिबल है कि प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए ये भी समझ में आ गया कि इसकी भी वैल्यू 5 आ रही है और यहाँ पे भी कॉर्नर में एलिमेंट जो है वो 5 आ रहा है, तो हम लगभग लगभग सही जा रहे हैं। अब माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे रो नंबर 2 को, रो नंबर 2 को माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 3, फर्स्ट रो में नो चेंज, फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। अब 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस 3/5 यहाँ आ जाएगा, 2/5। अब इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है आपको, इसको, तो रो नंबर 1 में, हाँ बोलो बेटा बोलो, हाँ, इसमें कर सकते हैं मैट्रिक्स में, वो उसमें डिटरमिनेंट में अगर आपको करना होता था तो फिर मल्टीप्लाई भी करना रहता है ना, पर इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों साइड हो रही है बात, तो आर वन में आर वन माइनस 3 R2, आर वन माइनस 3 R2 किया, तो 1 माइनस, इधर देखोगे लेफ्ट साइड में तो 1 माइनस 3 इंटू 0 आएगा,
थ्री माइनस थ्री इंटू वन आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस वन माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री बाय फाइव। यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ऐसी कैलकुलेशन की इससे गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की मिस्टेक। प्रोसीजर तो सब बच्चों को आता है, और जब आपका इवैल्यूएशन होगा तो वो लास्ट आंसर पे ही फोकस करेंगे। आप भी समझ सकते हो एक एक कैलकुलेशन कोई भी मुश्किल से चेक कर पाएगा। देखो लेफ्ट साइड क्या बन गई आपकी, लेफ्ट साइड बन गई आपकी वन जीरो जीरो वन, राइट साइड हो गई आपकी माइनस से माइनस कैंसिल थ्री थ्री जाए नाइन, और एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा फोर बाय फाइव, ये हो जाएगा फाइव इंटू वन माइनस सिक्स, तो फाइव माइनस सिक्स माइनस वन बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव, और आखिरी में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे टू बाय फाइव ए। ये आपका आई है। अगेन यू हैव टू राइट, क्या लिखना पड़ेगा, वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, एंड देयर फोर ए इनवर्स विल बी दिस, एंड देयर फोर क्योंकि आई इज दिस, ये तो आई हो गया, ए ये है आपका, तो ए इनवर्स ये होगा, देयर फोर ए इनवर्स विल बी, ए इनवर्स की वैल्यू होगी फोर बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव टू बाय फाइव। ये आपके पास ए इनवर्स वैल्यू है। जो एक क्वेश्चन था इसको हम डायरेक्ट भी एडजॉइंट वाली मेथड से करते हैं ना, तो आप देखिए डायरेक्ट से 2 1 3 4 को कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपका ये मैट्रिक्स है, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं एडजॉइंट वाली मेथड से 2 1 3 4, ये आपके पास है 2 1 3 4। अब इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है, तो आपको इसका ये इन्वर्स मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ए बी सी डी, तो आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो क्रॉस चेक कर लेंगे। ए बी सी डी का इन्वर्स होता है कोफैक्टर वाली मेथड जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोफैक्टर निकालते हैं ना हम कोफैक्टर, फिर उसको उसका ट्रांसपोज लेते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट तो आप देख लो, ए डी माइनस बी सी आएगा, वन अपॉन ए डी माइनस बी सी। यहाँ पर ए का को ये वाली रो इसका कोफैक्टर आता है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ पर आ जाएगा डी, कॉर्नर में बी लिख दिया गलती से, यहाँ डी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ माइनस बी माइनस सी। मतलब करना क्या रहता है आपको, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, किन दोनों को, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, और इन दोनों के साइन चेंज करना है, किसके साइन चेंज करना है, इन दोनों के साइन चेंज करना है, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो इसका भी देखें आप कि इसमें क्या होगा इनवर्स, जो मैं बोल रहा हूँ उससे फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। टू की जगह आ जाएगा फोर, फोर की जगह आ जाएगा टू, वन का साइन चेंज हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, थ्री का साइन चेंज हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आप देखो फोर टू जाए एट माइनस थ्री फाइव आया, फाइव फाइव से डिवाइड कर दिया। अब क्या लिख सकेंगे इसको, इसको लिख सकेंगे फोर बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव और टू बाय फाइव। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, आप इससे मैच करा लीजिए। ये रिजल्ट जो हमारा आया है दिस इज सेम टू दिस, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो ये वेरिफिकेशन के लिए है, इट इज़ जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, और आप इसको जब आपको दे दिया कि उन्होंने ये वाला मेथड यूज़ करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, और अगर हमने यूज़ कर ली आंसर भी हमारा सही है फिर भी हमको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे जितने एक्सपेक्टेड है। तो होपफुली मेरी बात इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आई होगी। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में
ए इज इक्वल टू ये आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो, है ना। बहुत लोग स्क्वायर शेप में बनाते हैं और राउंड भी बना सकते हो, दोनों एप्लीकेबल हैं। एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें यहाँ पे एक विचित्र सा मामला है, यहाँ जीरो है, यहाँ टू है, यहाँ पे टू है, और यहाँ पर मान लीजिए कि वन लिखा हुआ है। अब इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है, तो अब ये कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, यू कैन स्टार्ट राइटिंग। आप साथ साथ में लिख सकते हैं, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, ऐसा हमको मालूम है। और जल्दबाजी नहीं करेंगे तो फायदा होगा, आराम आराम से करेंगे, फिर वेरीफाई भी कर लेंगे। अब आपको यहां वन बनाना है, ए वन वन में फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को वन बनाना है, तो आप रो भी इंटरचेंज कर सकते हो, आर वन इंटरचेंज कर देंगे आर टू से दोनों साइड, और माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि आपने उसमें देखा होगा ये एक माइनस साइन आता है डिटरमिनेंट में, जब ये ऑपरेशन लगाते हैं तो बाहर माइनस साइन आता है। और अगर आप गलती से माइनस लगाओगे तो दोनों साइड लगाओगे, तो माइनस से माइनस प्लस कर देना, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कभी गलती हो जाए। वैसे गलती करोगे नहीं, आप होशियार बच्चे हो। आर वन में आर वन अपॉन टू, अभी आप पूछ रहे थे ना कि फर्स्ट रो को टू से डिवाइड कर दें, इसमें कर सकते हैं, वहां डिटर्मिनेंट में नहीं कर पाते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर आपको किसी को डिवाइड करना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, क्योंकि वहां एक ही साइड होती है, यहाँ दो साइड है, तो दोनों तरफ करते तो बैलेंस हो जाती बात। ये हो जाएगा वन वन बाय टू, यहाँ पर जीरो बाय टू इज जीरो और वन बाय टू ए, 0 2 और 1 0। अब आप ये 1 बना के, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसको 1 बनाने का, वो कंप्लीट हो गया। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाते हैं, पर ये तो ऑलरेडी 0 है, तो अब इस पे फोकस नहीं करेंगे। अब फोकस किस पे करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने की क्या स्टेप है अपने पास, आर टू में आर टू डिवाइडेड बाई टू, अब इसमें टू से डिवाइड ही करना पड़ेगा अपने को, वन वन बाय टू, जीरो वन बाय टू ए, जीरो बाय टू जीरो और टू बाय टू इज वन, यहाँ पर हो जाएगा वन बाय टू और जीरो बाय टू इज जीरो। इस तरीके इस 1 की हेल्प से किसको 0 बनाना है आपको, लास्ट स्टेप में इसको 0 बनाना है। तो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगेगा, वो ये लगेगा R1 में, R1 में लगेगा R1 माइनस 1 बाय टू टाइम्स R2, क्योंकि उस 1 की हेल्प से ही 0 बनाना है। और रो ऑपरेशन लगाना है तो केवल रो लगेगी, कॉलम नहीं लगेगी। कॉलम लगाएंगे तो केवल कॉलम कॉलम ऑपरेशन लगेंगे, रो नहीं लगेगी। जबकि डिटर्मिनेंट में आपने नोटिस किया होगा दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, इसमें नहीं है। इसमें अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और हमने रो ऑपरेशन का सिलेक्शन कर लिया, तो हम रो ऑपरेशन पे ही चलेंगे, अब कॉलम नहीं लगा सकते। और अगर हमने कॉलम ऑपरेशन सिलेक्ट कर लिया तो कॉलम ऑपरेशन पे चलेंगे। कॉलम ऑपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में तब आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे धीरे धीरे। वन माइनस, ध्यान से देखो, वन माइनस आप चाहो तो यहाँ लिख भी लो ताकि आपकी गलती ना हो। वन माइनस वन बाय टू इंटू जीरो, वन बाय टू माइनस वन बाय टू इंटू वन आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ती हैं तो नो प्रॉब्लम, एक ही क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा। जीरो माइनस वन बाय टू इंटू वन बाय टू, ये खास तो यहाँ की कैलकुलेशन बच्चों गड़बड़ हो जाती है ना, इसके लिए ध्यान रखना। वन बाय टू माइनस वन बाय टू इंटू जीरो,
और ये हो जाएगा 0 1, फिर आप इसमें मास्टर पीस बन जाएंगे। 1 माइनस ये क्या, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0 1। लेफ्ट साइड तो अपने फॉर्म में आ गया जो एक्सपेक्टेड था, जो चाह रहे थे, ये आ गया आपका माइनस 1/4, ये आ गया 1/2, 1/2 0। ए आपको राइट साइड में रखना है ना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे ये रखना पड़ेगा, कॉलम में आपको यहाँ पे रखना पड़ता है, लेकिन अभी अपन कॉलम डिस्कस नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका ये आ गया, अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट आई इज इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स इनटू ए, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, आप कंपेयर करके लिख सकते हो, ए इनवर्स हो जाएगा आपका 1/4, 1/2, 1/2 सॉरी माइनस 1/4 है 0। अब जो डायरेक्ट मेथड थी चेक करने की, उससे भी अपन इसको एक बार देख लेते हैं। ये लिखा है 0 2 2 1, ऐसा क्वेश्चन है आपका 0 2 2 1, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ आ जाएगा 0, इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं और अपनी जगह में हैं। फिर इसके डिटर्मिनेंट से, इसका डिटर्मिनेंट है 0 × 1 माइनस 2 × 2, 0 − 4 − 4 है, तो −4 से इनको डिवाइड कर दो, सबको −4 से डिवाइड कर दिया, तो ये −4 से इसको भी कर दिया, ठीक है। तो आप देखो आपका रिजल्ट सेम आ गया, तो जब रिजल्ट सेम आ गया, −1/4, 1/2, 1/2, 0, तो इसका मतलब कि अब हमारा आंसर सही हो गया। अब हम अपनी खुशी जो है वो मना सकते हैं, अपनी खुशी